नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। छोटा सा अनुरोध सदा की तरह, हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र अनुरोध, इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमारे इस शैक्षिक अभियान और विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग करेगा। आज हम बात करेंगे हैशटैग संस्कृति की। आप में से बहुत सारे मित्र हैशटैग से परिचित होंगे और हो सकता है कुछ मित्र परिचित न भी हो, और जब भी वो हैशटैग का चिन्ह देखते हैं तो वे आश्चर्य करते होंगे कि यह है क्या। जब से सोशल मीडिया का उदय हुआ है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पारस्परिक संवाद के, विचार विनिमय के, संदेश भेजने के, ब्लॉग लिखने के या बहुत सारे जो इस तरह के संदर्भ हैं उनमें जब इनका प्रयोग होने लगा तो धीरे धीरे हैशटैग भी प्रचलन में आ गया। तो एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के उदय के साथ हैशटैग के इस्तेमाल की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी, और जब इन प्लेटफॉर्म्स पर हमें किसी जानकारी को या किसी तथ्य को या किसी विचार को ट्रैक करना होता है तो उसमें यह हैशटैग हमको विशेष रूप से सहायता देता है। हैशटैग का प्रतीक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी में पहले से ही उपलब्ध है। मूल रूप से जो इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड, ये उसका चिन्ह है। पहले ये पाउंड के रूप में प्रयोग होता था, उसके प्रतीक के रूप में प्रयोग होता था, कालांतर में हैशटैग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। आइए कुछ चर्चा करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1988 में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विकास किया गया था फिनलैंड में। फिनलैंड के यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने इस दिशा में प्रयास किया था और उसका नाम था इंटरनेट रिले चैट। किसी दौर में यह अनेक देशों में बहुत लोकप्रिय प्लेटफॉर्म था। यह जो प्लेटफॉर्म है यह मूलतः त्वरित संदेश भेजने के लिए या सामूहिक संचार के लिए इसे निर्मित किया गया था। ये जो सिस्टम है वो टेक्स्ट बेस्ड चैट सिस्टम है और इसके माध्यम से हम चैट कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फोटोज भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने प्रारंभिक दौर में इसका उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद 2007 में एक ब्लॉगर स्वावे बोएड ने अपने ब्लॉग में हैशटैग का जिक्र किया। हैशटैग की शुरुआत का श्रेय क्रिस मेसिना को दिया जा सकता है। एक तरह से ये फादर ऑफ हैशटैग कहे जाते हैं। क्रिस मेसिना अमेरिका के एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डिजाइनर हैं और डेवलपर हैं। इन्होंने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि जब हम सोशल मीडिया पर कोई संवाद या विमर्श करते हैं तो हम हैशटैग का प्रयोग करें। ट्विटर, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, 2007 में हैशटैग का उसमें व्यापक रूप से प्रचार किया गया, उपयोग किया गया। 23 अगस्त 2007 को क्रिस मेसिना ने सबसे पहले हैशटैग का प्रयोग किया और वो हैशटैग था #barcamp। 2007 में ही सैन डियोनो के जंगलों में आग लग गई थी, इसकी सूचना देने के लिए भी क्रिस मेसिना ने हैशटैग का प्रयोग किया। और धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि हैशटैग के माध्यम से हम किस तरह से सूचनाओं को एक जगह एकत्रित कर सकने में सक्षम हो गए हैं। हैशटैग वस्तुतः वह छोटे छोटे वाक्यांश हैं जिन्हें हम अपनी किसी पोस्ट या फोटो के साथ लिखते हैं और उसके पहले हैशटैग का चिन्ह लगा देते हैं और उसके बाद वो छोटे छोटे वाक्यांश हम लिखते हैं। इन छोटे छोटे वाक्यांशों से जो हैशटैग के साथ जुड़ते हैं, हैशटैग और इन वाक्यांशों में किसी प्रकार का गैप नहीं होता है, किसी तरह का स्पेस नहीं देते हैं। हैशटैग का चिन्ह लगाया और उसके साथ हमने वो वाक्यांश भी लिख दिया या शब्द लिख दिया। उदाहरण के लिए हैशटैग इंडिया, अर्थात भारत के बारे में जो जानकारी हमने दी है, हैशटैग यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में जानकारी दी गई है, हैशटैग कम्युनिकेशन टुडे, अर्थात हमारा जो जर्नल है इसके बारे में जानकारी है। जब आप गूगल पर हैशटैग कम्युनिकेशन टुडे या हैशटैग संजीव भानावत लिखेंगे तो आपको उससे संबंधित जानकारी,
जो इस आभासी मंच पर उपलब्ध है तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि गूगल भी या जो उसके एल्गोरिदम्स हैं वो भी इस हैशटैग को ट्रैक करते हैं। तो इस प्रकार क्रिस मेसिना, इन्होंने जो ये प्रयोग किया ये बहुत जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। प्रासंगिक हैशटैग के माध्यम से हम किसी विषय के ट्रेंड्स को समझ सकते हैं, उस ट्रेंड से जुड़ी हुई सामग्री को हम एक जगह वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यदि इसका सही तरीके से विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो ये हैशटैग की संस्कृति हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ हम हैशटैग का प्रयोग कर सकते हैं और ट्विटर पे ये बहुतायत से आपको देखने को मिलेंगे। वहां बाकायदा ट्रेंडिंग स्टोरीज करके हैशटैग के द्वारा इस तरह की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनकी जानकारी दी जाती है, जिससे आपको देश दुनिया में उससे संबंधित सारी सामग्री एक जगह उपलब्ध हो जाती है। हैशटैग के बहुत सारे लाभ हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाभ है आपकी सामग्री की पहुंच को बढ़ाना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो कुछ पोस्ट कर रहे हैं उसके साथ हैशटैग का प्रयोग आपकी सामग्री को एक व्यापक प्रचार प्रसार करने में उसकी मदद मिल सकती है। जब आप किसी पोस्ट के साथ उससे संबंधित हैशटैग का प्रयोग करेंगे तो आपकी पोस्ट उन लोगों तक पहुंच सकती है जो उस हैशटैग से जुड़े हुए विषयों को खोज रहे हैं। इससे आपकी पोस्ट की दृश्यता और पहुंच बहुत अधिक बढ़ जाएगी और उस सामग्री के साथ जुड़ाव भी बढ़ जाएगा। हैशटैग का एक और लाभ है कि सोशल मीडिया पर इसके बढ़ते उपयोग के कारण आप जो हमारे ट्रेंडिंग विषय हैं, ट्रेंडिंग प्रवृत्तियां हैं, उन चर्चाओं में हिस्सा ले सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, उस बहस को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी घटना, किसी भी आंदोलन या चर्चा के आप सहभागी बन सकते हैं, उस बातचीत का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो हैशटैग आपकी न सिर्फ उपस्थिति को उसमें बढ़ाता है, वरन जो नवीनतम ट्रेंड्स हैं उनके बारे में भी आपको वो अपडेट रखता है। हैशटैग ने आम आदमी को अपनी आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण मंच दिया है, एक अवसर दिया है, जहां वह हैशटैग का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ सकता है, बहुत बड़ा मंच क्रिएट कर सकने में वो स्वयं सक्षम है। और पिछले एक डेढ़ दशक की जो सोशल मीडिया की यात्रा है उसने कई बार इन घटनाओं को, इन स्थितियों को सिद्ध किया है कि किस तरह से एक आम आदमी ने अपनी आवाज को उठाया है और सत्ता में जो संबंधित व्यक्ति बैठे हैं उन्हें निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लोग अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी भावनाएं इसी हैशटैग के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हैशटैग लव, हैशटैग ट्रेवल, हैशटैग फूड, इस तरह के हैशटैग का प्रयोग करके हम पूरी दुनिया में जो हमारी भाषा, हमारे प्रतीक को समझ सकता है वहां तक पहुंच सकने में आज सक्षम हो गए हैं। ये हैशटैग आपके अभियान को लोकप्रिय बना सकते हैं, आपके अभियान को वायरल कर सकते हैं, आपके अभियान की पहुंच को व्यापकता प्रदान कर सकते हैं और आपका जो ब्रांड है उसको भी लोगों के बीच में लोकप्रिय बना सकते हैं। आवश्यकता है हैशटैग का सही तरीके से प्रयोग करना हम सीख पाए। हैशटैग का जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप इसके माध्यम से अपनी सामग्री को वर्गीकृत कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो उस विषय पर सामग्री को खोज रहे हैं। अगर आप हैशटैग ट्रेवल का उपयोग करते हैं तो जो ट्रेवलिंग में जिन लोगों की रुचि है आपकी पोस्ट उन तक पहुंचेगी और हो सकता है उनको वो ट्रेवलिंग में कहीं कोई दिशा निर्देश देने में भी सफल और सक्षम हो। जो अपनी यात्रा में संबंधित सामग्री देखना चाहते हैं उनके लिए वो विशेष उपयोगी होगी और आपकी वो पोस्ट जो आपका लक्षित वर्ग है वहां तक पहुंच सकेगी। सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले हैशटैग आपके सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण आदि अनेक अभियानों के साथ जुड़कर के एक जागरूकता फैलाने में बड़ा काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हैशटैग #MeToo, ब्लैक लाइव मैटर आदि, इस तरह के हैशटैग ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और एक विचार को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। कंपनियां और संगठन जब किसी विशिष्ट प्रकार के आयोजन करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं या प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए वो हैशटैग का प्रयोग करते हैं। हैशटैग सोशल मीडिया की दुनिया में आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा देता है, आपके विचारों को, आपकी पोस्ट को
खोजने में वो संबंधित व्यक्तियों की विशेष प्रकार से मदद करता है और हो सकता है आपके विचारों से प्रभावित होकर के आपको भी इस विचार की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में एक सेलिब्रिटी के रूप में लोग महत्व देने लग जाएं, आपके विचारों का भी वो सम्मान उस रूप में करने लग जाएं। हैशटैग के माध्यम से आप अपनी एक समुदाय या कम्युनिटी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी फिटनेस में रुचि है तो आपने हैशटैग फिटनेस कम्युनिटी इस नाम से एक अभियान शुरू किया, तो जिन व्यक्तियों की इसमें रुचि है वो लोग सहज रूप से आपसे जुड़ सकते हैं और उस अभियान को आगे बढ़ाने में आपको सहयोग कर सकते हैं। इससे आपका नेटवर्क का विस्तार होगा और आप एक प्रभावशाली, मजबूत ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ जुड़ पाएंगे। आपकी कोई भी पोस्ट जिसको आप हैशटैग के माध्यम से वायरल करते हैं आपके उस उद्देश्य में काफी हद तक सफल हो सकती है। सोशल मीडिया अभियान में सफलता के लिए वो एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, इसलिए हैशटैग का आप विवेकपूर्ण और सोच समझ के उपयोग करें तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। हैशटैग का एक और लाभ है, आप हैशटैग का उपयोग करके सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। हैशटैग के माध्यम से जब आपकी सामग्री की रीच बढ़ेगी तो हो सकता है वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होकर के आपके विभिन्न जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करने लग जाए। तो इस प्रकार आप सोशल मीडिया के इस आभासी मंचों पर अपनी प्रेजेंस और उपस्थिति को और अधिक बढ़ा सकते हैं। यह तो हमने चर्चा की कुछ सकारात्मक पक्षों की, लेकिन जैसा हम अक्सर बात करते हैं सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो इनका प्रयोग करते समय हमें सजग और सतर्क रहना है। हैशटैग से जिस तरह से संदेश तेजी से वायरल होता है उसमें एक आशंका या खतरा यह है कि हम किसी भ्रामक समाचार, गलत सूचना या ऐसी कोई और जानकारी जो जनहित में नहीं है उसको भी हम वायरल कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से इनका उपयोग करने की आवश्यकता है। फेक न्यूज को प्रचारित प्रसारित करने के लिए प्रायः हैशटैग का उपयोग किया जाता है। इस तरह के हैशटैग समाज में असमंजस की स्थिति पैदा कर सकते हैं, तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस तरह के हैशटैग से समाज में नकारात्मक प्रवृत्ति का प्रसार होता है। एक और नुकसान हैशटैग का है, उस हैशटैग से एक जैसे ही विचार आपको बार बार मिलते रहते हैं और आपकी रुचि उनमें बढ़ती रहती है तो एक प्रकार से हम एक इको चैम्बर में फंस जाते हैं और एक ही तरह के विचार जो आपके दृष्टिकोण से जुड़े रहते हैं वो आपको मिलने लगते हैं। एक सीमा तक यह भी खतरा हैशटैग्स का है। हैशटैग के माध्यम से जब आप व्यक्तिगत जानकारी देते हैं तो आपका डेटा लीक होने का भी खतरा है। इसलिए जो आपकी जानकारी नितांत व्यक्तिगत है, जिसको आप बहुत ज्यादा लोगों तक साझा नहीं करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें हैशटैग का प्रयोग सोच समझ के करें। ऐसा नहीं हो हैशटैग के कारण आपका व्यक्तिगत डेटा चला जाए और आपकी सुरक्षा को भी कहीं खतरा हो जाए। जैसे जैसे सोशल मीडिया का तेजी से प्रचार प्रसार होता जा रहा है निश्चय ही हैशटैग की संस्कृति का भी उतनी ही तेजी से विकास होता जा रहा है। हैशटैग आज युवाओं का एक लोकप्रिय, कहना चाहिए कि ऐसी लोकप्रिय संस्कृति हो गई है जिसके माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के विचारों को तेजी से भुवन व्यापिनी या पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तत्पर रहते हैं। एक उत्सुकता होती है, उमंग होती है कि हम तेजी से अपनी सूचनाओं को प्रचारित प्रसारित करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग ने भी हैशटैग की प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ा दिया है। यह नई तकनीक हैशटैग के उपयोगों को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाने में मदद करेगी। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की तकनीक आने वाले समय में हैशटैग की प्रभावोत्पादकता को और बढ़ाएगी और सोशल मीडिया के इस अनुभव को और अधिक रोचक और सार्थक बनाएगी। तो आइए हैशटैग की इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ, विवेक के साथ हम उन प्रासंगिक हैशटैग का उपयोग करके अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक व्यापकता, गंभीरता दे सकेंगे और इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एक रचनात्मक दुनिया को भी हम सृजित कर सकेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।